बात हो रही थी एडजस्ट मैरिज जैसे किसी के साथ करते हैं ना, तो मैं इससे पूछता हूँ, मैं तो चलो करता हूँ, आप कैसे करते हो? भैया मैं आधे मिनट के लिए एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, उसके ज्यादा मैं मेरे से करता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग 8 बजे का टाइम है और आज मैं कहाँ जा रहा हूँ गेस करो। तो आपको मैं उधर पहुँच के बताऊँगा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, और बहुत ज़बरदस्त जगह पे जा रहा हूँ आज मैं, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सुबह सुबह आज मैंने फर्स्ट टाइम में फ़ोन पकड़ा है और एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा मैं। तो उधर पहुँच के आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो ठीक है, तो और देखो आज भी धुंध ही धुंध है, तो मौसम बहुत अच्छा है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एंड तक, देखना मज़ा आएगा आपको पूरा। तो ठीक है, मिलते हैं हम उधर जाके। पूरा मैं पहुंच गया हूं, तो आपको मैं बता दूं, सुलावतपुरा है डेरा सच्चा सौदा का एक डेरा, और हानी धाम भी इसको कहते हैं। तो इधर आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या किया हमने सारा दिन इधर, स्पेशली भंडारा है, तो स्पेशली भंडारे पे आया हूं मैं। कमजोरिया नजर अंदाज बना रखी अचानक ओ क्या बात, यहाँ पे चल रहा है सत्संग जरा सत्ता सौदा का, रानी धाम भी कहा जाता है इधर, और इधर आगे सारा पंडाल है। सतगुरु मौला जी अवतार लिया, सतगुरु दाता ने अवतार धारण किया, और जो भी आए जिन्हां ने अमल किया उसी तरह ये मृत लोग हैं, ऐसे जिन्हें भी जीव आए हैं
अपने कर्मों का भुगतान करना हो आपके मसले एक अट पास पर इंसानियत सब दोष एना हो गए छोटे छोटे मसलों पीछे तुम इंसानियत के राह में चलना चाहते हो कोई तो बुरा कहता है गलत कहता है अगर तुम सही हो पर बिल्कुल घबराओ ना राह चलते जाओ अगर छड़ांगे अपने अंदर कमियां छड़ांगे ये चीजें गलत है मैं कभी जिंदगी च नहीं करना सो ये चीजें करते जाओ वाई के कौन इकरार करते जाओ सिमरन करते जाओ मालका तक की यकीन मनो तो बुराइया थोड़े तो चो निकलिया जाएगियां तुम गुणवान बनोगे और मालिक की दया करना किसी दिन थोड़े से मुड़ा तार जो सुन के मन लेंगे जो सुन के अमल कर लेंगे मालिक उन्होंने अंदरों बारों कोई कमी नहीं हो सकता मां तिरना मैं नहीं मनता बस एक अड़ी चट्टू कोई रब की गल सुना दो मन मैं नहीं मनता फिर कहते जी तू भगती कर ला वो मना भगती कर ला पहले ही मना हो गया सीधा भगती करो मन को कुछ डाले नहीं There's a distance between us. तो गाइस सलावतपुर में पहुंचे हो आपको पता ही है बता नहीं सकता आपको मैं कितना ज्यादा मजा आया तो इधर काफी ज्यादा फ्रेंड भी मिले मेरे जान पहचान के सारे अभी घर जाने वाले हैं तो आप उनसे पूछ के देखता हूँ क्या बोलते हैं वो तो मिलते हैं फिर उनसे ये मेरा फ्रेंड है मैं यहाँ पे भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ वैसे तो मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में जाता हूँ पर लेकिन यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया बहुत अच्छा लगा यहाँ पे तो देखो सत्संग तो सत्संग होता है रूहानी की बात तो कई मर्जी हो सकती है पर लेकिन कोई ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सारी सत्संग एकत्र होती है और यहाँ पे आज सत्संग था तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ बहुत मजा है तो इतना टाइम आप इधर अपना वक्त बर्बाद हुआ या कुछ मजा आया जो हमारे गुरु हैं पूज्य हैं गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह ढींसा उनकी प्रेरणा पे हम चलते हैं वो हम जीने का ढंग सिखाते हैं और परमात्मा से जोड़ते हैं उनके साथ जुड़े हैं और आगे जुड़े रहेंगे तो समय बर्बाद नहीं है ये तो समय हमारी किस्मत ही है जो हम इनके साथ जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा में कम से कम 5-7 साल कंटिन्यू रहा हूँ यहाँ पे तो अब चलो कुछ ऐसे काम होते हैं आदमी नहीं रह पाता तो इसलिए आज मैं सत्संग में आया हूँ ये रूहानियत की मिट्टी है इतना मजा आया यहाँ पे मैं फॉरन भी जाके आया हूँ 6-7 कंट्री तो इतना मजा नहीं आया वहाँ पे जितना यहाँ पे आया वहाँ पे बहुत मैं सैड फील करता था अभी काश मैं वहाँ पे होता डेरा सच्चा सौदा में होता जाता अब यहाँ पे खड़ा हूँ तो इतना मजा आ रहा है जो अपना एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके इस व्लॉग के साथ एक संदेश है जो अपने देश को माड़ा बोलते हैं इंडिया को माड़ा बोलते हैं उनकी वो कभी भी अपने देश के नहीं हो सकते तो जो इंडिया की पावर है जो इंडिया है ऐसा अच्छा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको इतनी अच्छी अपना कल्चर इतनी अच्छी संस्कृति इतने अच्छे लोग इतना प्यार कहीं नहीं मिलेगा दुनियादारी में सिर्फ स्वार्थ है और कुछ नहीं और इंडिया में सबसे बेस्ट जगह कौन सी है डेरा सच्चा सौदा मेरे लिए तो है तो ये कहते हैं कि इंडिया जैसी कोई जगह नहीं और इंडिया से अगर पूरे में अगर कोई सबसे अच्छी जगह तो उसको बाहर भैया पता क्या है वहाँ पे कोई एक दूसरे को पानी का गिलास नहीं तो इसलिए जो हमारा भारत है ये विश्व गुरु देश है और विश्व गुरु देश बनेगा यही हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के वचन है हाँ तो उनके वचन पूरे होंगे है ना ठीक है तो आज आपको काफी इधर मजा आया ना बहुत मजा हम दोनों गया हम दोनों लग रहा खाना पसंद नहीं करता आपको कैसे लगता लंगर प्रसाद के रूप में होता है उसका मुकाबला कोई भी दुनियादारी की चीज नहीं कर सकती लंगर खाने में इतना मजा आता है जो हाथ में लेके लंगर और उसमें वो जो दाड़ा देते हैं उसका मजा दुनिया से अलग है मैंने 4-5 खाए और लंगर हाथ वाली है लंगर जो प्रसाद होता है वो हाथ में मिलता है और जो किसी प्लेट में या बर्तन में लेते हैं वो लंगर नहीं होता वो रोटी का रूप होता है तो इसलिए भैया मेरे को बहुत मजा आया आप बताओ आप बहुत ज्यादा मजा है तो आपको ये भी दिखा दूँ ये देखो हाथ पे ही लंगर रख के खा रहे हैं और बुजुर्ग हैं काफी और पीछे भी देख सकते हो तो आप तो लंगर इसलिए लंगर प्रसाद जो होता है हाथ वाली होता है तो ठीक है थैंक यू बढ़िया और एक संदेश हमारे गुरु ने अभी रोहतक जाने से पहले एक सॉन्ग का लॉन्च किया था जागो दुनिया के लोगों उसका संदेश यही है सारी दुनिया वालों जागो
नशे के खिलाफ जंग लड़ें और नशे को हम पूर्ण रूप से पूरे इंडिया से बंद करें। इसलिए हम तो यही सबसे रिक्वेस्ट करते हैं और ना आप नशा करो, ना करने दो, बंद करो। हम तो जो सॉन्ग है आप भी सुन के देखना, लिंक मैंने पहले भी दिया था, आज भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा लिंक, और सुनना और काफी ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ओके ओके। And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. की चाय बिल्कुल वाइट दूध की तरह जो हम पी रहे हैं बैठ के, वो भी नीचे इस मिट्टी में। तो मेरे साथ मेरे भाई साहब भी मेरे साथ ही हैं, तो बिल्कुल दूध जैसे हैं ये। गाइज नाइट काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा उधर मज़ा आया, और 9:30 के करीब घर पहुँचे थे। तो रास्ते में आपने देखा था एक काऊ के साथ गाड़ी की टक्कर हो गई थी, लेकिन काऊ सेफ रह गई थी। हम सबने मतलब ऊंची आवाज़ में एक नारा लगा दिया था, मतलब उसके नाम का, तो सेफ हो गई थी, बच गई थी, मतलब उसको मतलब कुछ नहीं हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा उधर मज़ा आया, आपने देखा ये सारा। तो एक मैसेज मैं इस व्लॉग के थ्रू आपको देना चाहता हूँ कि कितने भी धर्म हैं, सब अलग अलग जगह पे जाते हैं, कोई कहाँ जाता है कोई कहाँ जाता है, लेकिन हम जिस धर्म में जाते हैं डेरा सच्चा सौदा में, तो एक चीज़ आप देखना, इधर आके आप चेक कर सकते हो, मतलब जो कभी नहीं आया, और अगर नहीं तो कहीं भी आप एक चीज़ नोटिस करके देखना कि बाकी जो धर्मों को बोलते हैं उनके घर में जो खाने पीने वाले होते हैं, जैसे यंग होते हैं, मतलब जो नौजवान लड़के होते हैं, उनके माँ बाप क्या कहते हैं कि यही एज है खाने पीने की, खा लो और फिर आगे जाके तो आपने मतलब ये छोड़ देना है। लेकिन जो हमारा है डेरा सच्चा सौदा, इसमें क्या होता है, और ख़ुद भी मतलब वो जो नशे से दूर रहते हैं और बच्चों को वही गाइड करते हैं, और खाने पीने मांस अंडा से उसको भी मना करते हैं कि जीव हत्या नहीं करनी, लेकिन बाकी जो धर्म को मानते हैं उनके माँ बाप भी उनको स्पेशली बोलते हैं कि बेटा आप खा सकते हो, आपकी यही उम्र है खाने की, तो मतलब उनका ये चलता रहता है। तो हमारे इधर एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ, इधर बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट है, चाहे कोई किस धर्म में भी जाता है, लेकिन उनके बच्चे पूरे खाते पीते हैं, मांस अंडा ड्रिंक वगैरह सब करते हैं, तो उनके माँ बाप भी उनको स्पेशली ये बोलते हैं हाँ बेटा कोई बात नहीं, आपकी यही एज है, आप खा सकते हो पी सकते हो, यह सारा कुछ। तो हमारे जो डेरा सच्चा सौदा के जो हम अहिंसा से बिलोंग करते हैं डेरा सच्चा सौदा, तो हमारे अंदर यही शिक्षा देगी हम हमें स्पेशली कि ये चीज़ गलत है,
मतलब इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मांस अंडा खाना ये एक जीव हत्या होती है, सही नहीं होता, एक पाप होता है। तो इसलिए और उनके धर्म में और हमारे धर्म में यही डिफरेंट है। तो आप ये के लिए मैं स्पेशली अभी मैंने बोलना था लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था मुझे उधर। तो आप भी कभी ट्राई करना, कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आना। तो बाकी ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बोला गया हो कछ गलत तो उसके लिए सॉरी। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।